बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि जनरल फैज के लिए खतरे की कैंटीन ही पाए बकायदा टेल बज गया है। ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपके साथ थोड़ी देर में बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो हैं वो क्या कहते हैं, अपनी तमाम तर जो इल्म दानिश थे उन्होंने इर्द गिर्द लोग मौजूद सन, जो भी थे जिस तरह के भी थे, उनके कहने के ऊपर इमरान खान चलते थे। अपनी अकल इस्तेमाल करनी पड़ी, भाएं जेडे ने मिनट बाद इतराफे जुर्म करी जा रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ देर पहले एक वो किया है, अपना ट्वीट किया है, पहले अंग्रेजी किया सबर नहीं आया, फिर किसी तो उर्दू ही तर्जमा करा के वो करता से। कामरान शाहिद साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जो मैंने इससे पहले भी लॉग किया, उसके हवाले से उन्होंने जो सवाल जवाब हुए थे वो उस पर बात की थी, और इस पर जो इमरान खान साहब ने उन्होंने उनको कोट करके ये लिखा कि जनाब मुझे इल्म था कि मेजर जनरल फैसल नसीर जो है और शहबाज शरीफ और राणा सिन्हा वो मुझे कत्ल कराने की साजिश में शरीक है, पर मेरा मुकदमे नहीं दर्ज हो सकता, मैं सबूत कितों लैके आंदा। तो वो कितों मतलब इल्म आना, कोई वो क्या कहते हैं इनके जो होते हैं जिन्हें इल्म देना तेनों आके, कोई मोकलों का इल्म आना तेरे पास, कहाँ से आना है भाई? यानी इनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। पूछा किसने कहा था, कहते ना नहीं दसना, पूछ लेंगे बहू जी अगले नाम ही हाई दे, तू आजाद लगा फिर रहे है ना, ठीक है। इस तरह की इन्होंने यानी नस नस के पॉइंट ने जरा ना उस डब्बे सिर दिता अपना, जिस डब्बे में मतलब दुनिया जहान का गंद मौजूद है। पता नहीं इस बंदे के अंदर क्या प्रॉब्लम है, सारे इसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, एपाई नहीं बाज आया। अभी भी वहां पर जाके ये जो जिस तरह के बयान दे आए हैं और जिस तरह के ये ट्विटर के ऊपर इतराफे जुर्म कर रहे हैं, आप किसी भी वकील को वो पढ़ा के देख लें। वकील तो चलो है मतलब एक वड्डी शह होंगी ना, जरा उन्होंने काफी चीजों का पता होता है। आप किसी भी पंचायती जो होते हैं ना, जो पंचायत लगाते हैं पिंडा के, उन्होंने किसी को पढ़ा के दस दवो कि यार इमरान के ते इल्जाम से उन्हें यह किया जे, तो फोन कहेगा भाई फड़िया गया जी, ए भाई साहब आप फड़े गए। अब आलम यह है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने आज इनकी जो सूरत हाल है जहनी उसके ऊपर एक शेर पढ़ा है, शेर मुझे ज़रा अच्छा लगा है, मोहसिन नकवी साहब का शायद शेर है, मुझे अच्छा लगा। ए मोहसिन नकवी ए साडा पंजाब वाला सीएम नहीं, ये मोहसिन नकवी एक शायर हुआ करते थे और बड़े बाकमाल शायर थे, बहुत आला शायर थे। उनका ये शेर है, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि एक जुनून बेमानी एक यकीन ला हासिल, क्या मिला मोहसिन मुझे इसकी आरजू करके। तो भाई ने ए खास साहब ने ना हालात अपने बनाए ने कि कोई शायद ये हाथ नहीं आई, प्राइम मिनिस्टरशिप आई सी, किसी भी चक्कर च आ गई, झाके च आ गई, गलत चॉइस हो गई, अकल घट सी उन्होंने, उनका काम नहीं था, उन्होंने किसी भी तरीके से इमरान खान को इस कौम पर मुसल्लत कर दिया। ओ भाई सब्र कर जा, जर के खा ला, स्टे कर जा, नहीं अफरा तफरी पाई रखी सारे उस दौर के अंदर, तीन साल सात माह और 21 दिन के जो दौर थे ना उसमें अन्नी पाई रखी ने, अफरा तफरी इधरों फड़ इधरों फड़ इधरों फड़, बुढ़ी भी खा रही, सहेली भी खा रही, जनाब उस्मान बुजार भी खा रहा, सारे ने अन्नी पाती पड़ी। वो तंग आ गया जनरल बाजवा, उन्होंने कहा यार ये की लुट्टी मचाती पड़ गई उन्होंने, लिहाजा चीजें जो हैं वो काफी खराब हो गई। अब खास साहब के जो भी कर लें, अब इनकी बचत का इम्कान कोई नहीं है। जनरल फैज जो इनके मेंटोर थे उन्होंने भी भाई इन्होंने फोन छून सुनने करने इन्होंने छड़ते हैं, क्योंकि वो आप भाई मुश्किल से पे है। अभी मैं आपसे अर्ज करूं कि जनरल फैज के हवाले से मैं आपको एक वो क्या कहते हैं स्टोरी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और ये मैं गुजारिश करूँ कि जब कोई प्रोजेक्ट बकायदा लॉन्च किया जाता है ना तो उन्हें इस्तेहकाम देने लई हर शोबे जिंदगी के अंदर, हर सरकारी सतह के ऊपर, गैर सरकारी सतह के ऊपर बाकायदा यानी उसको क्या कहते हैं मुहैया की जाती हैं सहूलतें, उनको सपोर्ट मुहैया की जाती है बकायदा तौर पर। वड्डे छोटे दरम्याने साइज के अफसर जड़े ना उन्होंने मर्जी के उन्होंने हिसाब न लाए जाते, हर हुकूमत करती है, आती है तो अपने मर्जी के ऑफिसर्स को लेकर आती है साथ, उनको अपॉइंट करती है, जो उससे पहले होते हैं उनको वो साइड पर कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक मामला है ये जो मुसलसल चलता चला आ रहा है, लेकिन इमरान खान के आने से पहले ये उसके लिए सारे इंतजाम कर लिए गए थे, और ये जनरल फैज साहब थे जिनके जिम्मे इस तरह के काम थे, इमरान खान के
को कोई तकलीफ ना पहुंचे, को ततीवा ना आवे ये दिल, ठीक है। इसलिए वो सारे इंतजाम जो हैं वो किए गए थे। उन इंतजाम में एक इंतजाम ये था कि नादरा का जो मतलब चेयरमैन होगा, बल्कि नादरा के अंदर जो जितने भी रिटायर्ड फौजी, हाजर सर्विस फौजी, कोई क्लर्क से लेके और दरमियान के अफसर, फिर उस तो उतरे अफसर, फिर चेयरमैन, कई डीजी होते हैं वहाँ पर, वो सारे दे सारे जड़े ना वो लाए गए सन इमरान खान के हमायती यूथिये लाए गए सन। जनरल फैज साहब का कि जो है ना आशीर्वाद के साथ ये सारे काम हुआ करते थे। अब ये जो हैं अपना तारिक मलिक साहब, इनके आपने इस्तीफे की अफवाहें सुनी होगी, अब तक शायद कन्फर्म हो जाए जब तक आपके पास व्लॉग आए कि जनाब इस्तीफा हो गया है। अच्छा, ये इस्तीफे की ना एक पूरी बैकग्राउंड है, इसकी पूरी एक तारीख है। देखिए मामला ये है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ जो हैं इस वक्त के, आर्मी चीफ नहीं बने थे उस वक्त, इनकी बेगम साहबा जो थी उनके हवाले से, उनके जो है अपना नादरा का रिकॉर्ड डेटा, वहाँ तक एक्सेस ली गई। और वो एक्सेस जो है वो फिर सर उसके ज़रिए ट्रैक किया गया कि वो कितनी बार पाकिस्तान से बाहर गई हैं और केड़े मुल्क गई हैं, ठीक है। एक ख़ास यानी मसलक के साथ उसको जोड़कर फिर वो एक दोस्त मुल्क को यानी सऊदी अरब को ज़ाहिर पहुँचाया गया। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की थी, मेरा ख्याल उस मीटिंग के अंदर मैं भी मौजूद था और इमरान शफकत साहब भी थे और दूसरे साफी ज़रात भी थे, और जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये बाकायदा तौर पर पीटीआई के लोगों ने मैनेज किया कि जनाब जो सऊदी अरब का सफ़ीर है उसको बताया जाए कि जनाब ये तो ताडे ले मसलक देनी है हाफ साहब, इतने किसी और मसलक देने, तो ऐ आर्मी चीफ बनने लगा। अब आर्मी चीफ बनने से रोकना था, एक्चुअल सारी गेम है ऐसी, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, एलिजिडली जो हैं अपना जनरल फैज भी इसमें शामिल थे, इमरान खान थे, पहला कंसर्न ऐसी ना कुछ हो जाए हाफज साहब ना आर्मी चीफ बन, ठीक है। जिस दिन आर्मी चीफ बने हैं इमरान खान का जरा ना मतलब इधर रंग उड़िया मुसलसल। हालांकि मैं आपसे गुजारिश करूं कि जितना जाहिर है हाफज साहब के बारे में पता चला है, मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है उनके बारे में, वो अपने काम से काम रखने वाले आदमी, अनटिल अनलेस के आप जनाब उन दे अगे खलो ही ना जाओ ना कि नहीं भाजी इंज नहीं, जो तिकर मैं तुम दो धरोगे नहीं मैं इंसान नहीं बनना, उस तिकर वो आपको कुछ नहीं कहते और अपना काम करें। वो कहते यार दो जमा दो चार होंगे, कोई पांच नहीं होंगे, कोई तीन नहीं होंगे, चीज़ों को सीधा सीधा चलाओ, आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें चलाएं, बस इससे ज़्यादा आगे पीछे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके बारे में मैंने सुना और अभी तक ऐसे ही है। ये 9 महीने वाकया तो बाद थोड़ा जहा चीज़ा जानी ना उन्हें अदारे ने सोचा कि यार नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तो चीज़ों को फिर इन्होंने थोड़ा जहा ट्विस्ट किया कि अच्छा तेन दस रहे हैं फिर तू ताकतवर है कि असी ताकतवर हाँ, थोड़े से हल्के से एवं ना घूरी पाने वाले मसल वो दिखाए हैं, वो भी अदारे ने दिखाए हैं। और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम अदारे अब वो खान साहब ने जो साजिश की थी ना एक्चुअली उसके उन स्वाद भुगतना पड़ेगा उन, ये मैं आपको बता दूँ। इमरान खान को, उसकी पार्टी को कोई दूसरी राय नहीं है, कोई सोचे भी ना इस बारे में कि जनाब कोई बचत का चांस है, कोई चांस नहीं, इसलिए कि ये मजाक नहीं है जो इमरान खान ने ख्वाब दहाए, जाहलाना किस्म की बातें की, रजीम चेंज, और जनाब कभी ये अरब स्प्रिंग का जिक्र करते थे, कभी जनाब कहते थे आप याद करें तहरीर स्क्वायर बना देंगे, इस तरह की सारी गुफ्तगू इन्हें की थी ना जड़ी, ऐसा मजाक नहीं है, इसको ईजी नहीं लिया जा सकता। तो अब खान साहब ने वो भुगतना है। बहर बाद में दोबारा वहाँ पर लेके आता हूँ कि उस वक्त वो डाटा निकाल कर वो दिया गया था सफीर को और फिर उस पर एतराज़ आ गया, ठीक है, सफीर की जानिब से एतराज़ आ गया कि तुसी ये की करने लगे हो। अच्छा, अब हुआ ये कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जो बताया था अब उसके मुताबिक ये था कि फिर जनाब उनको बताया गया, हकीकत हाल से आगाह किया गया कि हजूर इंज नहीं गा, मामला ये नहीं है जो बताया जा रहा है, मामला ये है। फिर उन्होंने आगे से बताया कि सानू तो फलाने बंदे ने पूछाया है शामा, फिर वो फलाने बंदे की गोश माली की गई।
तो नादरा का डाटा इस तरह से लीक ही किया गया था, और उसमें तारक साहब जो जाहिर है तारक मलिक वो चेयरमैन थे नादरा के, उनके नीचे 3-4 लोग इन्वॉल्व थे जो कि सबक फौजी थे, लेकिन जनरल फैज साहब ने उनको रखवाया हुआ था। ठीक है, तारक मलिक भी जनरल फैज ने दी पैदावार है, ये भी उन्होंने रहाई सी। तो सर एक तो मामला ये है इनके इस्तीफे के पीछे बताया ये जा रहा है, दूसरा मामला जो है वो ये है 17 जुलाई 2022 के जो इलेक्शन हुए थे, जिन तो बाद इमरान खान ने क्या देखिया फिर असी किडे पॉपुलर आ, देखिया असी वियाँ जो 15 सीटा जीत लियाँ, आपको याद होगा नून लीग को हमने हरा दिया, बड़ा रोला पाया जनाब, साढ़े कई यूथी दोस्त कालम नगार हो भावे और टीवी के बहन वाले हो रोला पाता, इमरान खान की पॉपुलरिटी सर कोई नहीं फट सकता, कोई नहीं फट सकता, मैं उदो भी हसना सा, मैं हूँ भी हसना, लेकिन बहर जो चीज़ें उसमें से इनके जो जिस तरीके से इनको जिताया गया था उसमें से एक चीज़ जो है वो ये थी कि नादरा का डाटा, वोटर्स का डाटा जो है उन हलकों का किस तरीके से इमरान खान ने इस्तेमाल किया निकाल के क्या हुआ, वो भी सर एक इल्ज़ाम इनके इस्तीफे के ऊपर एक इल्ज़ाम वो भी डाटा लीक का। अच्छा अब तीसरा इल्ज़ाम जो है वो ये है कि जनाब ये जो है अपना शिनाख्ती कार्ड बनाने का जो मटेरियल होता है ना, इसकी परचेज में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन, रुपया नहीं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन, और बताने वाले बताते हैं कि करप्शन जो है वो इस तरह की है कि एफआईए तकरीबन साबित करके बैठी ये, और इसमें तारिक मलिक साहब मुबैना तौर पे उन्होंने सारी कीती है और एफआईए में इंक्वायरी इसकी चल रही। ठीक है, ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से एफआई जेड़े ना इन्हों का बुलवराम होया और अब ये जा रहे हैं। अच्छा बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, सवाल ये उठता है कि इतने सारी चीज़ों के बाद ये दिगर बैठा क्यों नहीं होया सी? अब देखिए ना 17 जुलाई 2022 का वाकया है, ये जून आ गया 2023 का, तारक मलिक से बैठा सी। ठीक है, जो मैंने हाफ साहब वाली बात की है वो जाहिर है कि नवंबर से पहले की बात है, अक्टूबर की बात है पिछले साल, एडा वड्डा काम करके भी एफआई से बैठा सी, करप्शन की बात है तो वही करप्शन ने पहले की थी ये, तो ये दिखर बैठा है। जो भी इल्जाम हैं बजीना तौर पे वो सारे के सारे थे पुराने ने ना, ऐ हूँ की उसी फिर लोड़ पाई हूँ की रोला आया। मामला ये है कि जब आप ऐसी पोजीशन के ऊपर बैठे होते हैं तो आप अपने आप को मजबूत करने के लिए इधर उधर ताल्लुकात जो है ना वो बना लेते हैं, चलाक आदमी इसी तरह करता है, इन्होंने अपने ताल्लुकात बनाए हुए थे पीपल्स पार्टी के अंदर। अब ये आप जानते हैं कि ये कोलेशन गवर्नमेंट है और पीपल्स पार्टी इस कोलेशन गवर्नमेंट की मेन इतादी है, शहबाज शरीफ साहब उनको नाराज करके काम आगे नहीं चला सकते। अब मामला ये है कि उनकी मुकम्मल सपोर्ट कर रही थी पीपल्स पार्टी के कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेता मुझे नाम मालूम है उनका, लेकिन मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो ज़रा ढिले जे पे सन। 9 मई के बाद, 9 मई के बाद थोड़ा सा स्क्रू मजीद टाइट हुआ है। ठीक है, तो हुकूमत ने कहा कि भाजी है ये तो जान छुड़ानी ज़रूरी है, फिर पीपल्स पार्टी के उन लोगों को बुलाकर जो इनकी हमायत कर रहे थे, सारी चीज़ें उनके सामने रखी गई कि बहू जी इन्हें ए ए ए कीता है, ये सबूत है की पे कर दे हो, ये तो यूथी है तुसी सपोर्ट करी जा रहे हो। उस पर उन्होंने कहा ओके अच्छा अच्छा अच्छा, पीपल्स पार्टी ने अपने आप को इनसे विड्रॉ कर लिया और इस तरह से अब तारक मलिक साहब के लिए कोई चीज़ नहीं बची थी, कोई सपोर्ट मौजूद नहीं थी, लिहाजा पाइन ने करता रिजाइन। अब उम्मीद है या इम्कान है, मैं इसमें मुझे कन्फर्म नहीं है कि अन करीब इनकी गिरफ्तारी भी मतवक्के है। ठीक है, अच्छा अब ये जो जनरल फैज साहब थे उनके बारे में कहा जाता है कि जनरल फैज ने मुबैना तौर पे इनको रखवाया हुआ था, और जनरल फैज ये जो शख्स है ये जनाब अप्रूवर बन सकता है बहुत सारी बातों का। देखिए नादरा जो है ना वो एक बड़ा वसी डाटा है, पूरी कौम का डाटा पा इन्होंने कोल है जी। ठीक है, पूरी कौम का, और उसमें आप जो है ना बच नहीं सकते, तो
इस डेटे को ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है वो मौजूदा हुकूमत के मुखालफ है, उसके ऊपर कई तरह के इल्ज़ाम हैं, और उसकी बैग के ऊपर जनरल फैज़ है, और जनरल फैज़ जो है उसके ऊपर कई तरह के इल्ज़ाम हैं जिनकी इंक्वायरीज हो रही हैं। तो चीज़ों को अगर तुम लड़ियों मिलाओगे तो गल तुम समझ आ जाएगी कि असल में जो प्रोजेक्ट इमरान था उसका एक एक जिथे जिथे भी कोई किल कांटा कोई जनाब कुंडी कोई शह भी लगी रह गई ना उस कमरे दे उस प्रोजेक्ट दे पुट पुट के बाहर कढ़िया जा रहा है, और क्योंकि इसको जड़ से उखाड़ फेंकना है, बाकायदा तौर से जड़ से उखाड़ फेंकना है, ये एक्चुअल काम है। और इनमें से किसी एक बंदा ऐसा नहीं है, कोई एक भी की पोस्ट पर बैठा हो या थले बैठा हो जिन्हें कोई बंदे के पुत्र वाला काम किया हो, जेड़ा भनोगे उही ला ले। तो ये एक डेवलपमेंट थी जिससे अब लगता ही है कि जनरल फैज़ के लिए भी खतरे की घंटियां हैं, और बल्कि टल है ये वाला बंदा तो बकायदा टल की सूरत कहते हैं कि रखता है, क्योंकि इसके पास कई ऐसी चीज़ें हैं जो अगर दौरान तफ्तीश उन चीज़ों पर तफ्तीश हुई तो भाए न जनरल फैज़ साहब भी जड़े ना वह उन्होंने अगे चीज़ा जड़िया ना काफ़ी ख़राब हो जाएगियाँ, बताने वाले कम अज़ कम यही बता रहे हैं। अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो देखने में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, मुड़ पता लगता है कि और खबर आई है, पिछले काम का पता ही नहीं लगा वो किधर गया, और फिर बंदा जो है कैनेडा जाके शरीयत लैके या जजीरा खरीद के आस्ट्रेलिया के बैठा सिगार पी रहा होंगे नाल काफ़ी पी रहा होंगे लत लत रख के, ऐसा भी होता है माजी में ऐसा होता रहा, अब पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन ये देखने के लिए हमें कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। आप भी करें मैं भी करता हूँ, और कमेंट लेकिन आप ज़रूर कीजिए मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले भी लाभ।